हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शीबा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही मजेदार, बहुत ही जूसी, बहुत ही क्रिस्पी पनीर नगेट्स की रेसिपी। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही क्विक बन जाते हैं। इसे आप बना सकते हैं अपने गेस्ट के लिए या आप इवनिंग स्नैक में भी बना सकते हैं। पार्टी के लिए भी आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पनीर नगेट्स बनाने के लिए अब हम सबसे पहले करेंगे पनीर को मैरिनेट, जिसके लिए मैंने अपना एक बाउल ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हम लेंगे गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। 1 टीस्पून हम ले रहे हैं यहाँ पे शेजवान सॉस, तो आप इसकी जगह पर ग्रीन चटनी अपनी मनपसंद की कोई ले सकते हैं, चिली सॉस ले सकते हैं या टोमेटो सॉस भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून हम ले रहे हैं यहाँ पे नींबू का रस। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। यहाँ हमने 200 ग्राम लिया है पनीर, जिसको हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है, और इसे अब हम अच्छी तरह से कोटिंग कर देंगे इस मसाले की पनीर पर। 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब हमने ले लिया है यहाँ पे मैदा, और इसको हम एक एक पीस को उठा करके अच्छी तरह से इस पे कोट कर देंगे, ताकि हमारा जो भी मसाला है वो अच्छी तरह से कोट होकर के इसमें चिपक जाए, पूरा फ्लेवर रहे। तो इस तरह से हमारा हो गया। सभी पीस इसी तरह से हम अपने तैयार कर लेंगे, एक एक पीस उठाते जाएंगे और इसमें अच्छे से कोटिंग करते जाएंगे और रखते जाएंगे। इस तरह से जो हमने अपने मसाला इसमें मैरिनेशन के लिए जो हमने यूज किया है वो अच्छी तरह से इसमें लग जाएगा, और तभी इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। पनीर पे हमारे मैदे की बहुत अच्छी से कोटिंग हो गई है और बहुत ही यम्मी बने हैं, क्योंकि इसमें हमने नींबू का यूज किया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अंदर से चटपटे हैं। तो हमारे ये नगेट्स अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जूसी, टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो आइए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब हम बनाएंगे स्लरी, तो जिसके लिए मैंने वही सेम बॉल यूज किया है जिसमें मैंने मैरिनेट किया था। तो अब हम इसमें ले लेंगे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, और 2 टीस्पून हम ले रहे हैं यहाँ पे मैदा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सारा ब्लैक पेपर पाउडर। थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी बढ़िया सी स्लरी तैयार कर लेंगे। पानी कम ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाला है, और अब आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी तैयार हुई है, जिससे ये बहुत अच्छे से कोट हो जाएगा और बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर स्लरी भी तैयार हो चुकी है, और साथ ही हमारे पास यहाँ पे ब्रेड क्रम भी तैयार है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो आप ब्रेड को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से उसको क्रश कर ले, अच्छे से उसको ग्राइंड कर ले, तो इस तरह की ब्रेड क्रम आपके पास बन जाएगी। तो अब हम अपना एक एक पनीर क्यूब उठाते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें हमें कोटिंग करनी है। तो इस तरह से हम ये निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जितना भी है वो नीचे निकल जाए, और अब हम डाल देंगे इसे ब्रेड क्रम पर और पूरी तरह से इसको कोट कर देंगे। खूब अच्छे से ये कोट हो जाना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा ये नगेट बनकर हमारा तैयार हुआ है। हमारे सभी नगेट्स बहुत अच्छे से कोट हो गए हैं, बिल्कुल रेडी हैं। तो इन्हें अब हम करेंगे फ्राई। पैन ले लिया है जिसमें ऑयल ले रखा है, और अच्छे से ऑयल भी हमने गर्म कर लिया है, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है। तो इसके अंदर हम अपने एक एक करके पनीर के नगेट्स डाल देते हैं। एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसे हम पलट देंगे, और हमें दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तो ये हमारे हो गए हैं तैयार। इन्हें हम निकाल लेते हैं।
साइड में कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सब इसका निकल जाए। बहुत ही शानदार हमारे ये नगेट्स बनके तैयार हुए हैं। तो हमारे जो बाकी के नगेट्स हैं वो भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। एक साइड से हो जाएंगे तो इसे हम फिर से पलट देंगे। इसे आप बना सकते हैं अपने गेस्ट के लिए या आप इवनिंग स्नैक में भी बना सकते हैं। पार्टी के लिए भी आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना यम्मी, कितना जूसी, कितना मजेदार हमारे ये नगेट्स बनकर के तैयार हुए हैं। देखने में भी जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उतने ही ज्यादा यम्मी हैं। तो इसे आप बना सकते हैं किसी भी ओकेजन पर या आप इवनिंग स्नैक में। तो आप इसे जरूर बनाएं और जरूर ट्राई करें। मैंने यहाँ पर अपने पनीर नगेट्स को सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ में। आप अपने मनपसंद किसी भी सॉस के साथ में इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे जरूर बनाएं और जरूर ट्राई करें। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो एक बार फिर मिलते हैं एक बहुत ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।